हाँ तो स्टार्ट। हाय माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं बताने जा रहा हूँ मिलिंग कटर। ये क्वेश्चन 10 नंबर का आता है बोर्ड में, जो फ्री हैंड बनाना पड़ता है। तो इसको फ्री हैंड स्केचिंग बनाना पड़ता है, इसमें मिलिंग कटर बनाने के लिए आता है। सबसे पहले मिलिंग कटर बनाएंगे कैसे, पहले कोई एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पे डिवाइडर ले लेंगे, डिवाइडर नोक रखेंगे और कोई एक अपने तरफ से एक माप ले करके अपना एक सर्किल खींच लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद फिर दूसरा माप लेंगे कुछ उचित दूरी पे, कम से कम इतनी दूरी पे, एक ही ये सर्किल खींच लेंगे। तो ये दो, अब इसके अंदर जो कटर बनेगा इसी के अंदर हमारा पोर्शन में बनेगा। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ डिवाइडर नो रखेंगे, एक छोटा सा माप यहां से इसके थोड़ी दूरी पे हम फिर एक सर्किल खींच लेंगे डिवाइडर की सहायता से। फिर इसके बाद में ये इतना, ये 3 सर्किल खींचे हैं। फिर क्या करेंगे, एक छोटा सा माप ले करके डिवाइडर के एक माप ले लेंगे और उस माप से यहां पे सब मार्किंग करते हुए चले जाएंगे, 1, 2, 3, 4 जितने भी बने उतना बनाते चले जाएंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद में फिर डिवाइडर लेंगे जो ये कटिंग किए हैं, यहाँ पे डिवाइडर की नोक रखेंगे और नोक रखने के बाद में क्या करेंगे, एक छोटा सा माप ले करके इस पे मार्किंग करेंगे, यहाँ मार्किंग किए, फिर इस पे डिवाइडर नोक रखेंगे, यहाँ मार्किंग करेंगे, फिर यहाँ डिवाइडर रखेंगे, सेम वही माप हर जगह से हम मार्किंग करते हुए चले जाएंगे। ये इतना हो गया, ये मार्किंग किए, फिर उसी तरह डिवाइडर नोक यहां रखेंगे और यहां पे मार्किंग करेंगे हम एक पॉइंट से, मगर इससे पहले हम क्या करेंगे, बीचों बीच में एक सर्किल और खींच लेंगे हम। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहां डिवाइडर की नोक रखेंगे और फिर एक छोटा सा माप लेकर के हम यहां मार्किंग करेंगे, फिर यहां रखेंगे, यहां मार्किंग करेंगे, यहां फिर रखेंगे, फिर यहां मार्किंग, वही सेम माप लगेगा हर जगह पर मार्किंग हम करते हुए चले जाएंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जहां जो मार्किंग किया है उसको एक दूसरे से हम मिलाते हुए चले जाएंगे, यहाँ पे इसको हम मिला देंगे, फिर इसको मिला देंगे, फिर इससे सभी को एक दूसरे को मिलाते हुए चले जाएंगे। फिर उसके बाद में ये इससे मिला देंगे, इससे इससे इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर ये हो जाएगा। फिर यहां से पेंसिल लेंगे, फ्री हैंड करते हुए हम क्या करेंगे, सीधा इसको यहाँ पे लाएंगे, इसको हम थोड़ा रोटेशन में कर देंगे, फिर इसको हम ये सीधा लाएंगे, इसको ये रोटेशन करेंगे और इससे हम क्या करेंगे, मिला देंगे, फिर यहाँ से भी हम सीधा इसको ऐसे लाएंगे, फिर हल्का रोटेट करेंगे, फिर इससे हम मिला देंगे, इसी तरह सब बनाते हुए हम चले जाएंगे। ये हमारा मिलिंग कटर है। ये 10 नंबर के आता है बोर्ड में। क्लोज करें।